गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर इज अ टीचर ऑफ जीके। स्टूडेंट्स, येस्टरडे वी डिड बुक पेज नंबर 32, प्ले विथ पैलिंड्रोम्स। आई होप यू हैव डन। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड बुक पेज नंबर 33, लिटरेचर नो हाउ। बच्चों, आज हम जीके में बुक पेज नंबर 33 रीड करेंगे, लिटरेचर नो हाउ। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, लेट्स स्टार्ट। लिटरेचर इज रिटन टू मेक यू लाफ, क्राई, वंडर, क्यूरियस, हॉरिफाइड एंड एडवेंचरस। बच्चों, लिटरेचर मतलब साहित्य आपको हंसने, रोने, आश्चर्य, उत्सुक, भयभीत और साहसी बनाने के लिए लिखा गया है। राइट डाउन द नेम ऑफ द लिटरेरी जनरस। बच्चों, ये लिटरेरी जनरस के नाम लिखने हैं। नीचे आप यहाँ हेल्प बॉक्स दिख रहे हो, इन्हीं में से चूज करके यानी कि सेलेक्ट करके यहाँ पर ये लिखने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कॉमिक मैगजीन बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड फ्यू वर्ड्स। बच्चों, पिक्चर और फ्यू वर्ड्स पर जो बेस्ड कॉमिक मैगजीन होती है वो है हमारी ग्राफिक नोवल। ओके, एंड सेकंड इज अ रिटन वर्क ऑन अ हीरो डेट हैज फैक्ट्स। बच्चों, एक हीरो पर लिखा गया वर्क जिसमें तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो वो होता है हमारा लेजेंड। नेक्स्ट, स्टोरी बेस्ड ऑन साइंस ऑफन सेट इन द फ्यूचर। बच्चों, साइंस पर आधारित स्टोरी अक्सर जो फ्यूचर में सेट की जाती है वो होती है हमारी साइंस फिक्शन। क्या कहते हैं उसे? साइंस फिक्शन, जो साइंस पर बेस्ड होती है और ये फ्यूचर के लिए सेट की जाती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, अ नैरेटिव ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। बच्चों, किसी पर्सन की लाइफ को नैरेट करना, ठीक है, वो होती है हमारी बायोग्राफी। ओके स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी को क्या कहते हैं? बायोग्राफी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर, स्टोरी अबाउट सॉल्विंग अ क्राइम। क्राइम को सॉल्व करने के बारे में जो स्टोरी होती है उसे डिटेक्टिव कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? मान लो कोई क्राइम है, उसे सॉल्व करना है, तो उस स्टोरी को क्या कहेंगे? ये होती है हमारी डिटेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा अ लेजेंडरी सुपर नेचुरल टेल बेस्ड ऑन एनिमल। बच्चों, एनिमल्स पर बेस्ड अ लेजेंडरी सुपर नेचुरल टेल, तो ये कहलाता है हमारा फेवन। यानी कि एनिमल्स पर जो आधारित एक लेजेंडरी सुपर नेचुरल कथा जो होती है, लेजेंडरी सुपर नेचुरल का मतलब है बच्चों पौराणिक अलौकिक कथा, तो इसे बोलते हैं फेबल। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ, स्टोरी अबाउट मैजिकल क्रिएचर्स। मैजिकल क्रिएचर्स यानी कि जादुई क्रिएचर्स जो होती हैं, इनके बारे में जो स्टोरी होती है उसे बोलते हैं फेयरी टेल। नेक्स्ट है हमारा एट एंड लास्ट है ये बच्चों, अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट करेक्टर्स एंड इवेंट्स इन अ हिस्टोरिकल सेटिंग। बच्चों, हिस्टोरिकल सेटिंग में करेक्टर्स और घटनाओं यानी कि इवेंट्स के बारे में जो राइटिंग का जो पीस होता है उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल। ओके, अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट करेक्टर्स एंड इवेंट्स इन अ हिस्टोरिकल सेटिंग यानी कि ऐतिहासिक सेटिंग में करेक्टर्स और इवेंट्स यानी कि घटनाओं के बारे में जो राइटिंग का एक पीस है या एक छोटा सा पीस ही बोलेंगे या टुकड़ा बोलेंगे, छोटा सा लिखी हुई कहानी का एक हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये रीड करना है होमवर्क में और ये बुक पेज नंबर 33 फिल करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।